उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति कितनी संजीदा है, इस बात का अनुमान प्रदेश में आयोजित सेवा पखवाड़े के अंतर्गत लोगों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान पंजीकरण से लगाया जा सकता है। देश भर में चल रहे आयुष्मान भव अभियान को लेकर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान समेत जिला अधिकारी अभिषेक रोहिला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं सभी रक्तदानियों से दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। रक्तदान महादान है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा भी ये पूरा जो है स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक और लोगों को जिस तरह से ब्लड न मिलने से जो है बहुत बड़ी बड़ी स्थितियाँ हो जाती थी, लोग जागरूक नहीं थे। और आज अच्छा लगा कि आज हमारे जो मीडिया के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं हमारे पत्रकार बंधु, वो भी जो है अपना रक्तदान दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। ये बहुत बड़ी अच्छी जो है एक शुरुआत है और आज हमने सभी को रक्तदान करना चाहिए। ये महादान है और ये पितृपक्ष शुरू हो गया है आज से और इसी पक्ष में हमने ये रेड क्रॉस की ओर से और ये सब पत्रकारों की ओर से इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया कि हम जो अपने पितरों को और जो हमारी जो उत्तरकाशी और गोटियाँ थी जिन्होंने बेहतरीन यहाँ के कार्य किए हैं और आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग उत्तरकाशी के साथ मिलकर एक रक्तदान शिविर यहाँ आयोजित हुआ है। भारत सरकार का कार्यक्रम है आयुष्मान भव, इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसको भी आयोजित किया जा रहा है और ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है। और इससे जो जैसा आपने कहा कि कभी कभी रक्त ना मिलने की स्थिति भी उत्पन्न होती है, उनके प्रति भी जनपद में एक जागरूकता आएगी ऐसे कार्यक्रमों से। और इसमें साथ ही साथ हम एक प्रयास कर रहे हैं डेटाबेस बनाने का भी रजिस्ट्रेशन का, कि सभी लोगों का, अधिक से अधिक लोगों का हमारे पास ब्लड ग्रुप की भी जानकारी हो और यहाँ पर भी जितनी क्षमता है उस हिसाब से ब्लड बैंक में ब्लड को रखा जाएगा।